हेलो डियर वंस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम अ लेटर टू गॉड 10th क्लास का जो लेसन नंबर 2 है इंग्लिश रीडर का, उसके क्वेश्चंस को समझेंगे। ये मेथड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसमें हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आगे देखो टिप दे रखे हैं और इसी से हमें आंसर मिल जाएगा। ये शॉर्ट में इसे हम लॉन्ग कैसे करेंगे ये ट्रिक भी आप सीखेंगे, ठीक है। पहला है, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, ये घर कहाँ था, किसके घर की बात हो रही। इट इज़ अबाउट लेंचूज हाउस, टॉप ऑफ द हिल, एक वैली है उसमें जो हिल है उसके जिसके नीचे वैली है उसमें सबसे ऊंचाई पर। सो द हाउस वॉज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द हिल इन द वैली, हो जाएगा। नेक्स्ट, हु वॉज द ओनर ऑफ द फील्ड्स। सबसे अच्छे क्वेश्चन वही है जो हु से स्टार्ट होते हैं, केवल यहाँ पर एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, लेंचो रख देंगे। लेंचो वॉज द ओनर ऑफ ऑल दीज कॉर्न फील्ड्स, इन सभी मक्का के खेतों का एक ही मालिक है, इसका नाम है लेंचो, जो हमारी इस कहानी का हीरो भी है। What happened at the meal time? जब वो मील का टाइम था, खाने का टाइम था दोपहर के बाद का, तो उसमें क्या हुआ। रेन है, शॉवर, दोनों चीजें लिख दी। स्टार्टिंग हुई शॉवर से, हल्की सी फुहार शुरू हो गई। लेटर ऑन इट कन्वर्टेड इन टू रेन, हैवी रेन, देन हेल स्टॉर्म्स। तो एट द मील टाइम इट स्टार्टेड टू रेन, इन द बिगिनिंग इट वॉज अ शॉवर, लेटर इन वॉट it was a heavy rain and finally it was a huge hail storm. पहले हल्की सी फुहारें पड़ी, फिर बारिश हुई, फिर ओले पड़े। Next, how did Lencho feel when it began to rain? जब when it was started, you know, जब शुरू हुई तो क्या हुआ, यहीं से पकड़ लेंगे। When it began to rain, comma, Lencho was very happy. Lencho बहुत खुश था because खेत को पानी चाहिए था, हर किसान की तरह। नेक्स्ट, वट डज द पर्सन कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू क्वाइंस। जब वो छोटी छोटी पानी की बूंदें गिर रही थी तो राइटर ने यूज कराया वर्ड्स कि वो कह रहा है ये सिक्के हैं, सिल्वर क्वाइंस, चांदी के सिक्के लग रहे थे। क्यों कहा क्वाइंस, बिकॉज अल्टीमेटली जब ये खेतों में पानी गिरता है तो फसल तैयार होती है, जो फसल बिकती है बाजार में तो पैसा मिलता है। तो आप लिख सकते हैं द पर्सन कॉल्स द रेन ड्रॉप्स न्यू क्वाइंस बिकॉज अल्टीमेटली द क्रॉप्स विल गिव मनी, मनी गिवन है ना, तो मनी गिवर है, पैसा दे रहा। What damage the hail storm do? क्या नुकसान करा? The hail storm destroy all Lencho's crops of corn. ठीक है? या the hail storm destroyed all the corn fields of Lencho. And it was a good crop that year. अच्छी फसल थी जो नष्ट हो गई। Why? What did Lencho write to God? क्यों लिखा उसने? For help. Lencho wrote a letter to God. This is the name of the lesson too. यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा important part है कि Lencho wrote a letter to God to help him, for help, कुछ मदद के लिए भगवान को लिखा। Why did the postmaster laugh at Lencho's letter? बड़ी interesting बात है, जब वो letter postman ने postmaster के सामने रखा कि देखिए साहब ये letter है, इस पर एक address लिखा है to God. In the beginning, he laughed loudly. The postmaster laughed at Lencho's letter because it was unbelievable. उसके लिए अविश्वसनीय था, because he had no idea. He had never thought that somebody started to write a letter to God. कि कौन है दुनिया में जो एक चिट्ठी लिखता है भगवान के नाम। मुझे याद आ रहा है, छोटा सा एग्जाम्पल जोड़ दूंगा, मेरा स्टाइल भी है ये, कि मैंने छोटे पर सुना था, एक कहानी थी शायद ऐसी, किसी मूवी देखी थी, उसमें बच्ची जो है वो गुब्बारों पर एक चिट्ठी लिख देती है, चिट्ठी प्यार भरी भगवान के लिए, उसके माँ बाप नहीं है शायद, ऐसा कुछ मदर या फादर में से। तो वहाँ से मुझे आइडिया लग रहा है ये है कहीं ना कहीं, ये लेटर टू गॉड, जब आदमी निराश हो जाता है, हर रास्ता बंद होता है, हर दरवाज़ा बंद होता है, तो कहते हैं ईश्वर का दरवाज़ा सबके लिए हमेशा खुला रहता है। तो इस आइडिया से प्रेरित होकर एक कहानी लिखी गई। Then how much money did Lencho need and how much did he get? उसकी ज़रूरत क्या है, उसे मिले कितने, तो लिख देंगे Lencho needed 100 pesos, but he got only 70 pesos. दो सेंटेंस में खेल खत्म। 100 pesos चाहिए थे, 70 pesos मिले, हो जाएगा ना, ठीक है। When did Lencho receive the letter? Why did he become angry? कब मिला लेटर, क्यों नाराज़ हुआ? On the next Sunday. When Lencho reached the post office, अगले संडे को आया, Lencho received the letter on the next Sunday, he became angry, he लिख दे, because he could get only 70 pesos,
उसे मिले केवल 70 पिज्जाज, वाइल जबकि ही हैड आस्क्ड फॉर, ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर, ही हैड रिटन फॉर 100 पिज्जाज। 70 मिले 100 के लिए का ये आंसर हो गया। शॉर्ट में लिखा अनएक्सपेक्टेड टू हैव लेस मनी, क्योंकि उसकी जो अनुमान था, उसकी जो आशाएं थी, उसके हिसाब से कम पैसा मिला। हो जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, लंच यू हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट? छोटा सा आंसर, हेल्प फ्रॉम गॉड। लंच यू हैड ओनली वन होप डैश इट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाई वॉज लेंचो एनॉयड विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्यों नाराज हुआ? देखिए मैंने लिखा है फॉर हिम दे ऑल वर डिसऑनेस्ट, यहीं से बना देंगे आंसर। लेंचो वाज, भाई हट जाता है ऐसे क्वेश्चन में, लेंचो वाज एनॉयड विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बिकॉज फॉर हिम दे ऑल वेयर डिसऑनेस्ट। उसे लगा कि ईश्वर कभी गलत नहीं हो सकता, उसे पता था कि ईश्वर जो प्रार्थना की वो मांगे मानेंगे ही, जब उन्होंने 100 रुपए मांगे हैं तो 100 ही देंगे, 70 क्यों देंगे, और ना ही उनकी कैलकुलेशन इतनी ख़राब हो सकती है कि 70 दे दे 100 की जगह। तो उसे लगा जो पैसे आए हैं इस मेल के जरिए, इस पोस्ट ऑफिस के जरिए, तो इन्होंने ही पैसे निकाल लिए होंगे। एक बड़ा सी एक कॉमिक बात भी है, और उसका एक मासूमियत भी, इनोसेंस भी है इस कैरेक्टर की, और इनोसेंस तो होगी, जो ईश्वर को चिट्ठी लिख रहा होगा वो बहुत ही मासूम ही हो सकता है, सयाना नहीं। समझे आप लोग? ठीक है, इस तरीके से ये सारे आंसर्स आप तैयार करेंगे और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। कोई दिक्कत आए तो वीडियो आपके लिए पढ़ाई हुआ है चैनल पर, सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप ज़रूर कर लेंगे, और ऐसे ही मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय, हैव अ गुड डे।